Witchblood. Tends to work. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आरके क्रिएशन चैनल। अगर आपको वैम्पायर ड्रैकुला विच मूवीज देखना पसंद है तो आज मैं लेकर आया हूँ टॉप 5 वैम्पायर ड्रैकुला मूवीज, जो सभी मूवीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमारी फर्स्ट मूवी हैंसल एंड ग्रेटल विच हंटर्स। यह 2013 में रिलीज की गई फैंटेसी एक्शन मूवी है। यह कहानी है हैंसल एंड ग्रेटल, दो भाई और बहन की, और ये दोनों होते हैं विच हंटर्स। क्योंकि जब ये छोटे थे तब इनका सामना हुआ था एक खतरनाक चुड़ैल से, इसलिए अब ये बड़े होकर चुड़ैलों का शिकार क्या करते हैं। अभी इन्हें पता चलता है कि एक गांव में चुड़ैलों ने वहाँ के लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर दिया है और उन्हें मार रही है, इसलिए ये दोनों उन विचर्स को रोकने के लिए उस गांव में जाते हैं। तो अब आगे वे उन्हें रोक पाते हैं या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जिसे IMDb पर 6.1 की रेटिंग मिली है। हमारी नेक्स्ट मूवी है प्रिस्ट। यह 2011 में रिलीज की गई हॉरर एक्शन मूवी है। मूवी में कहानी की बात करें तो इसमें दो प्रजाति रहती है, एक इंसान और दूसरे पिशाच। इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही होती है, लेकिन इंसान देखते हैं कि वे लुप्त होने वाले हैं, तो चर्च में रहने वाले फादर मिलकर कुछ ऐसे लोगों को तैयार करते हैं जिनमें सुपर ह्यूमन एबिलिटी रहती है, जो कि लड़ाई में सक्षम होते हैं, जिन्हें प्रिस्ट कहा जाता है। अब आगे मूवी में देखना है कि वो इन पिशाचों को रोक पाते हैं या नहीं, जिसे IMDb पर 5.7 की रेटिंग मिली है। हमारी नेक्स्ट मूवी है 47 रोनिन। यह 2013 में रिलीज की गई फैंटेसी एक्शन मूवी है। इस मूवी में कुछ समुदाय मिलकर एक आदमी से बदला लेने जाती है, क्योंकि उस आदमी ने उस समुदाय के गुरु की हत्या की है, और वो आदमी कोई साधारण आदमी नहीं होता है, वो रोनिन के गुरु का प्रतिद्वंदी होता है और उसकी रक्षा का काम एक बहुत ही खतरनाक विच करती है। अब वो समुदाय अपना बदला ले पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जिसे IMDb पर 6.2 की रेटिंग मिली है। हमारी नेक्स्ट मूवी वैम्पायर एकेडमी। यह 2014 में आई हुई फैंटेसी हॉरर मूवी है। मूवी में स्टोरी दिखाई गई है रोजी और विलिसा की, जिनका एडमिशन होता है एक स्पेशल हाई स्कूल में, जिसमें सभी स्टूडेंट वैम्पायर बनने के लिए एडमिशन कराते हैं। इस स्कूल में एक रॉयल किड है जो आगे जाकर रानी बनने वाली है, और रोजी को कैसे भी करके इन वैम्पायर से इसको बचाना है। तो आगे इनके साथ क्या कुछ होता है, ये सब आप इस मूवी में देखें, जिसे IMDb पर 5.4 की रेटिंग मिली है। हमारी नेक्स्ट मूवी है डे ब्रेकर्स। यह 2009 में रिलीज की गई साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है। मूवी में दिखाया जाता है कि एक वायरस की वजह से सभी ह्यूमंस वैम्पायर बनने लग जाते हैं, और जो लोग इस वायरस से बच जाते हैं वो इन वैम्पायर से बचने की कोशिश करते हैं, और साइंटिस्ट और डॉक्टर इस वायरस का एंटीडोट बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि फिर से इस वैम्पायर को इंसानों में कन्वर्ट कर सके। तो क्या ये सब अपने मकसद में कामयाब होते हैं या नहीं, ये सब आप इस मूवी में देखें, जिसे IMDb पर 6.4 की रेटिंग मिली है।